डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर थर्ड का लेक्चर नंबर थर्ड, ठीक है बेटा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म भी इसको कह सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैसे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स। बिल्कुल सेम है, लेकिन वहां पे जहां पे हम चार्ज को कंसीडर कर रहे थे, यहां पे हमें चार्ज को रिप्लेस करना है। ऐसे आप लिख सकते हो, वी हैव टू रिप्लेस चार्ज को। किससे रिप्लेस करना है? चार्ज को रिप्लेस करना है मैग्नेटिक पोल से। मैग्नेटिक पोल से रिप्लेस करना है किसको? चार्ज को, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे कि हमने वहां पे लिखी थी। अगर आप वैसे नहीं लिखोगे वो भी चलेगा। अगर हम इसकी एक नई डेफिनेशन भी लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप वैसे लिखोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड पोल्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं यहाँ पे दो मैग्नेट्स लूंगा नॉर्थ और साउथ, या मैं और कोई मैग्नेट कॉन्सिडर करूंगा बेटा साउथ एंड साउथ, ठीक है, या मैं ऐसे कॉन्सिडर करूंगा नॉर्थ एंड नॉर्थ, जो एक पोल, एक मैग्नेट का एक पोल दूसरे पोल पे फोर्स लगा रहा है, इस पे जैसे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज की ओर फोर्स लगा रहा था, वैसे ही जब मैग्नेट का एक पोल दूसरे पोल के ऊपर फोर्स लगाता है, एक पोल दूसरे पोल के ऊपर फोर्स लगाता है, उसके बारे में ये फोर्स कितना लग रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वो यहाँ पे बेटा किसने दिया? कूलम ने, जिसका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम। उन्होंने इस पे बेटा एक कानून बनाया, जैसे उन्होंने चार्जेस पे बनाया था। वो कानून क्या उन्होंने बनाया? उन्होंने बोला द फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड पोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर पोल स्ट्रेंथ। जितनी पोल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना ये फोर्स ज्यादा लगाएंगे, जितनी पोल की स्ट्रेंथ कम होगी उतना ये फोर्स कम लगाएंगे, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। जैसे वहां पे बोला था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, वैसे ही इन्होंने यहां पे भी बोला। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। द फोर्स या द मैग्नेटिक फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। द मैग्नेटिक फोर्स और द फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड पोल्स ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोल स्ट्रेंथ, इन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इज फिर से वही एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस between them, उन दोनों के बीच में कितने डिस्टेंस होते हैं? उनके स्क्वायर पे डिस्टेंस। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक का ला दिया था, वैसे ही उन्होंने यहां पे मैग्नेटिज्म का ला दिया, लेकिन इतनी बात ही, वहां पे इन्होंने चार्जेस ली और यहां पे क्या ले रहे हैं? मैग्नेट ले रहे हैं। तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जैसे हम लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एंड एम टू। इन दिस इक्वेशन एफ इज फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स टू आइसोलेटेड पोल्स, एंड एम वन एंड एम टू आर व्हाट? दे आर पोल स्ट्रेंथ। जो हमारे पास पोल स्ट्रेंथ बेटा होती है दैट इज एम वन एंड एम टू। दूसरी इक्वेशन, दूसरा इसका ला, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? आर आर इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। तो मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट का नाम मैं देता हूं बेटा ए। क्या नाम देता हूं? ए। दिस बिकम्स एम वन
एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म. F is equal to A, A is constant, M is pole strength, M2 is pole strength, and R square is distance between them. This is known as Coulomb's law in magnetic force. ठीक है बेटा, यहां तक आप पहले नोट करो. अब आप लोग मुझे बोलोगे सर what is A? Similarly, A is constant of proportionality. क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी. और ये ए किस पे डिपेंड करता है? एंड डिपेंड्स अपॉन, फिर से लिखो बेटा, एंड डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. आप सीजीएस यूनिट कर यूज कर रहे हो, आप एसआई यूनिट यूज कर रहे हो. एसआई यूनिट में हम समरफील्ड का अलग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, और कैनलीज का मॉडल अलग पढ़ेंगे. तो ये जो ए है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स को छोड़ के ये और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता. यहां तक पहले आप नोट करो. ओके, स्टेटमेंट भी आप लोगों ने लिखा होगा और इक्वेशन भी आप लोगों ने लिखी होगी. अब मैं बेटा आगे की ओर चलता हूं. कूलम्ब्स लॉ को यहां पे अगर मैं लिखूंगा तो कूलम्ब्स लॉ को पहले हम नोट करेंगे. एफ इज इक्वल टू ए, एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है. दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स. ए डिपेंड्स अपॉन सीजीएस, ए डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर मैं बात करूंगा बेटा, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ए का वैल्यू बेटा होता है वन. कितना होता है? वन. जब हम वहां पे सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स, आप कहोगे सर एफ इज इक्वल टू ए, ए की जगह क्या लिखेंगे? वन. दिस बिकम्स एम वन M2 divided by R square. लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रहे, एक चीज इसमें कंपलसरी है, R जो है R is taken in centimeters, because किस सिस्टम की बात हो रही है? CGS सिस्टम की. और बोलो F किस में लेंगे फिर? सर F न्यूटन में नहीं लेंगे, CGS की बात हो रही है, F को हम लेंगे डाइन में, ठीक है. F को डाइन में लेंगे और M जो होता है पोल स्ट्रेंथ, इसको हम सीजीएस सिस्टम में एएमयू, इसका ईएमयू इसका यूनिट होता है. अब जब मैं बात करूंगा, ये तो इस सिस्टम में ए का वैल्यू वन आया. सर हम जो मॉडर्न सिस्टम आज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एसआई सिस्टम, तो इन एसआई सिस्टम की अगर मैं बात करूंगा, सर एसआई सिस्टम में ए का वैल्यू क्या होता है? एसआई सिस्टम को हमने फर्दर कैटेगराइज, तो जब कूलम्ब्स लॉ की मैं बात कर रहा था, मैंने बोला था कूलम्ब्स लॉ की इक्वेशन एफ इज इक्वल टू ए एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो ए की जब मैंने बात की, मैंने बोला ए डिपेंड्स अपॉन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स. सबसे पहले सीजीएस यूनिट की मैंने बात की थी, वहां पे ए का वैल्यू कितना आया था हमारे पास? वन. अब मैं एसआई यूनिट की बात करूंगा, इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो के का ए का वैल्यू कितना आएगा? तो नोट करो, in SI system of units, A का वैल्यू दो तरीकों से दिया गया है, ठीक है. सबसे पहले जिन्होंने दिया उनका नाम था समरफील्ड. क्या नाम था? समरफील्ड, इसको बोलते हैं यूनिट्स. और जो दूसरा आया था उसका नाम था कैनलीज यूनिट्स, ठीक है बेटा. कैनलीज ने अपने तौर पे एसआई यूनिट में ए का वैल्यू दिया और समरफील्ड ने अपने तरीके से दिया. समरफील्ड ने बोला ए इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई. दिस वैल्यू वाज गिवन बाय समरफील्ड
इन SI सिस्टम, और कैनली इंस्पायर हुआ, इन्होंने एनालॉगस किया इसके उन वाले लॉ से, किस वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ से। उन्होंने बोला A इज इक्वल टू 1/4 पाई, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है। ठीक है बेटा, चाहे आप ये वाली इक्वेशन लिखोगे, चाहे आप A का वैल्यू ये पुट करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक ही बात है जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे अभी आपके 12th में, वो बेटा सिर्फ A का वैल्यू ये वाला पुट करेंगे। इसमें क्या, जैसे मैंने वहां पे बोला था, इन दिस इफ A इज टेकन बाय दिस, इफ A वाज टेकन बाय 1 इन CGS सिस्टम, तो मैंने वहां पे बोला आप किस में, डाइन में, और पोल स्ट्रेंथ को अपना सेंटीमीटर वो, और इसको लेंगे अपना। लेकिन जब हम इन दोनों में यूज करेंगे SI सिस्टम में, तो F शुड बी टेकन इन बोलो डाइन और न्यूटन, इट इज टेकन इन न्यूटन। ठीक है बेटा, और बोलो सीधे आप मुझे R किस में हम लेंगे, R इज टेकन नाउ इन मीटर, R को सेंटीमीटर में नहीं लेंगे, और M पोल स्ट्रेंथ, दैट इज नोन एज M, दैट इज टेकन इन एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर इज SI यूनिट ऑफ व्हाट, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, ऐसे ही इसमें लेंगे। अभी हम पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट इस पे करेंगे, क्योंकि हम बार बार इस चैप्टर में ये वाला वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है किसकी, कूलम्बस लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू ए एम एन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू ए की जगह बोलो बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और क्या आएगा एम वन एम टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर जो आपके पास ये इक्वेशन आई एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई एम वन एम टू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, व्हाट इज दिस म्यू नॉट, म्यू नॉट को हम वैसे ही लिखेंगे, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड, जैसे वहां पे क्या था परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी, क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, परमिएबिलिटी किसको बोलते हैं, म्यू नॉट को। ठीक है, ये नोट करके रखो, म्यू नॉट इज नोन एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जैसे वहां पे परमिटिविटी था वैसे यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बेटा, इसको हम बोलते हैं म्यू को। सर जो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई है इसका वैल्यू कितना होता है, जैसे वहां पे मैंने बोला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, वैसे ही म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, जब इसका वैल्यू कैलकुलेट किया गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट कम्स टू बी 10⁻⁷, और इसका SI यूनिट याद रखिए अभी वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, पर एम्पियर मीटर। ठीक है, क्योंकि इसका होता है एम्पियर मीटर और इसका होता है फोर्स का, जब हम देखेंगे इसमें तो वो आएगा क्या, वो आएगा वेब। ठीक है बेटा, दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर अब हमें कूलम्बस लॉ इन मैग्नेटिक फोर्स लिखना होगा, हम लिखेंगे A इज इक्वल टू एम वन एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, A इज इक्वल टू 1/4 पाई म्यू नॉट भी लिख सकते हैं, या म्यू नॉट बाई 4 पाई एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज एम नॉट, एम नॉट इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में एक मैग्नेट का पोल दूसरे मैग्नेट के पोल को कितना परमिट करेगा, कितना अलो करेगा, दैट इज नोन एज दिस म्यू। ओके, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अब अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस म्यू नॉट, बहुत आसान है सर, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू नॉट का वैल्यू, बिकॉज म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷। अगर म्यू नॉट का वैल्यू निकालना होगा, म्यू नॉट कम्स टू बी इक्वल टू, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल टू किससे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 पाई × 10⁻⁷। ये भी आप नोट करके रखो, दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट, दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई। जब भी हम म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखेंगे तो ये लिखना है, जब हम म्यू नॉट ही जितना लिखेंगे तब आएगा 4 पाई × 10⁻⁷। ओके, ये सारी चीजें आप नोट करके रखो, अब हम आगे जाएंगे। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फिर से वही, पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था कूलम्बस फोर्स, यहां पे भी कूलम्बस फोर्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा कूलम्बस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या पढ़ेंगे,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया था, ई से, वैसे यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा बी से, बट दिस अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे इसके ऊपर भी क्या रखेंगे एक एरो, एरो रिप्रेजेंट दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने एक्सप्लेन किया, सिमिलरली हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी एक्सप्लेन करेंगे। सर कैसे, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, दिस नॉर्थ पोल, दिस इट इज साउथ पोल, इसके आसपास एक स्पेस है जिस स्पेस से दूसरे मैग्नेट की ओर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा, F is equal to A m1 m2 divided by r square, A is equal to mu naught by 4 pi, that is equal to 10^-7। अब मुझे इसको देखने के लिए कहां तक फोर्स लगा रहा है, मुझे लाना है बेटा एक आइसोलेटेड पोल, टेस्ट पोल, दैट इज टेकन एज नॉर्थ, कल भी मैं बता चुका हूं। जब मुझे देखना होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट इज A, ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, दिस इज A, ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, दिस इज सी, दिस पॉइंट इज बेटा फॉर एग्जांपल एक्स, मुझे यहां पे देखना है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो इस मैग्नेट ने बनाया है, इस पॉइंट पे सी पे इसकी स्ट्रेंथ कितनी है जिस जो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक टेस्ट मैग्नेट लाता हूं, टेस्ट मैग्नेट दैट इज नॉर्थ पोल, जैसे वहां पे टेस्ट चार्ज हम लेते थे, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल, आई मीन टू से ये इस नॉर्थ पे क्या लगाएगा, फोर्स। अब मैं कह सकता हूं सर फोर्स लग रहा है इस पे, ये जो मैग्नेट यहां पे लग रहा है, लगा रखा है आपने, इस पे क्या लग रहा है, फोर्स, फोर्स लग रहा है, लेकिन किस पे लग रहा है, मैग्नेटिक पोल पे। यहां पे भी सर फोर्स लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, मैग्नेटिक पोल पे। यहां पे भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन किस पे लगेगा, मैग्नेटिक पोल पे। ये जो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट मैग्नेटिक पोल, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जैसे आपने बोला कि फोर्स लग रहा है, लेकिन एक मैग्नेटिक पोल पे लग रहा है, इसको आपने बोला बी का नाम, बी इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन वैसे ही आप लिख सकते हो, इट मे बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट टेस्ट पोल। टेस्ट पोल को हम क्या लेते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है बेटा। जब आपने ये लिखा, इसकी डेफिनेशन आप वैसे ही कंपेयर करोगे जैसे वहां पे लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो मैं लिख सकता हूं B इज इक्वल टू बेटा F अपॉन M। व्हाट इज F? F इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल, आइसोलेटेड पोल एट एनी प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज M? M इज बेटा टेस्ट पोल, या M नॉट भी लिख सकते हैं, M नॉट इज बेटा टेस्ट पोल। टेस्ट पोल, टेस्ट पोल को हम यूजुअली क्या लेते हैं, नॉर्थ, ठीक है। अब आगे देखो, बात आ रही थी बी में, जैसे कि वहां पे आया था, आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। सर वाई एम? एम इज टेस्ट पोल, क्यू इज टेस्ट चार्ज। तो फिर मैंने वहां पे एफ निकाला था, मैंने बोला था अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को थ्रो करेंगे तो कितना फोर्स लगेगा। अब मैं बोला एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट। सिमिलरली अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एक टेस्ट मैग्नेट रखूंगा, उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, ये तो इंटेंसिटी है, फोर्स कितना लगेगा। आप कहोगे सर फोर्स लगेगा आराम से बी इंटू एम नॉट, दिस इज द फोर्स अप्लाइंग ऑन अ टेस्ट चार्ज इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में इतना फोर्स लगेगा, ये इक्वेशन भी आप नोट करके रखो। फिर से आप लिख सकते हो मैग्नेटिक, ये भी नोट किया होगा, वो भी नोट किया। अब आप फिर से वही चीजें लिख सकते हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, इट इज वर्थ नोट दैट इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले इट इज अ व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है सर, इसका यूनिट
क्या होगा? अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी वही जो लगने वाले फोर्स पे होगी। अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, आपने यहाँ पे टेस्ट मैग्नेट लगा, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, अगर इधर की ओर इस नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है तो यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जहां पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होते हैं किसकी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब आगे देखो, ये भी नोट किया होगा। इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके डायमेंशनल फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज बी। तो वो क्या है, मैं लिख सकता हूं, सर वी नो दैट बी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ होता है फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल वन टी रेस्ट पावर माइनस टू, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ, सॉरी एम इज पोल स्ट्रेंथ, इसका होता है एम्पियर मीटर, दैट इज एम्पियर का ए और डिस्टेंस का एल वन, एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसल इज आउट, दिस विल बिकम एम वन और एल रेस्ट पावर माइनस टू, और ये ऊपर चला जाएगा ए, ए रेस्ट पावर माइनस वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत बार इंट्रेंस में पूछा गया है, तो ये नोट करके रखो, दिस इज बी इज इक्वल टू एम वन एल रेस्ट पावर माइनस टू टी रेस्ट पावर माइनस वन, ठीक है। इसके बाद इसके एसआई यूनिट्स, इसके एसआई यूनिट्स बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट हम आराम से लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू फोर्स की जगह फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, दिस इज न्यूटन, दिस इज एम्पियर मीटर। इसका बेटा हम अब एक ही नाम रख सकते हैं, इसका नाम हम एक ही रख, इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जूल सेकंड बाकी चीजें, वोल्ट मीटर बाकी चीजें, इसका हम एसआई यूनिट लिखते हैं बेटा टेस्ला। क्या नाम रखते हैं? टेस्ला। टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इन द ग्रेट ऑनर ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट इस बी का नाम रखा गया टेस्ला, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की कुछ बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स अप्लाइड एट दैट वेरी पॉइंट, और एक चीज फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू बी इंटू एम नॉट। अब आगे देखो, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एरेस्ट पावर माइनस टू एरेस्ट पावर माइनस वन, और इसका एसआई यूनिट क्या है बेटा, टेस्ला। और अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अगर अब हम सीजीएस यूनिट की बात करेंगे, इन सीजीएस यूनिट्स इसकी, इसका यूनिट क्या है, उसमें इसका यूनिट होता है बेटा गॉस, जैसे हमने पढ़ा था बेटा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन द ग्रेट ऑनर ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट, सीजीएस यूनिट में इसका नाम रखा गया गॉस। तो गॉस अब स्मॉलेस्ट यूनिट है और टेस्ला अब बड़ा यूनिट है, क्योंकि सीजीएस ऐसा यूनिट हमारे सीजीएस यूनिट से बड़ा है। तो कह रहे हैं कि टेस्ला जो होता है वो कितने गॉस के बराबर होता है, साइंटिस्ट का नाम हम कैपिटल से लिखेंगे, क्यों, ठीक है बेटा, और एक टेस्ला होता है बराबर कितने गॉस के, एक टेस्ला होता है बराबर 10^-4 गॉस के बराबर, ये भी आप नोट कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, सॉरी 10^4 गॉसेस इसके बराबर होता है, ये सारी चीजें आप नोट करो। अब आगे देखो, अब अगर आपको कहेगा 1 गॉस किसके बराबर है, इस 10^4 को इधर लेके आओ, 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, दिस इज कन्वर्शन ऑफ गॉस इंटू टेस्ला एंड टेस्ला इंटू गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10^-4 गॉस एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 10^-4 टेस्ला, ठीक है। अगर आपको कोई कहेगा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, जब हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बेटा होता है कहां पे, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वो कितना होता है, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, ठीक है बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट इज इक्वल टू 1 गॉस, कितना होता है 1 गॉस। अगर 1 गॉस होता है, आप ऐसे भी कह सकते हो, सर फिर तो डेफिनेटली 10^-4 टेस्ला भी होगा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां तक हमारे पास कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटिक फोर्स भी क्लियर हुआ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्लियर हुई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं,